तो चांस मिलना चाहिए दुनिया को, माने भारत की जो पूरी जो विविधता जो है वो खुद अनुभव करनी चाहिए। तो हमारा लक्ष्य था कि G20 के समय कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हो आप देश में, ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आप दिल्ली राजधानी में नहीं, उसकी सीमा राजधानी में नहीं रहेगी, कि हम इसको पूरे देश में ले जाएंगे ताकि पूरा देश जुड़ जाए। आज जो है जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित भारत का मतलब ये भी है कि दुनिया में भारत का प्रभाव, भारत की छवि जो है ये बढ़े, और उसके लिए दुनिया को माने भारत, पूरी भारत को पहचानना चाहिए, और जब वो 60 शहर में जाए तो उसका तो प्रभाव तो होता ही है। पीएम का जो विकसित भारत मिशन है इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, विकसित भारत के अलग अलग पहलू होते हैं, कोई आर्थिक परिप्रेक्ष्य देख सकता है, कोई टेक्नोलॉजी की बात कर सकता है। जो हम विदेश नीति जिनकी जिम्मेदारी है, हमारा लक्ष्य है कि भारत, क्योंकि हम अपने आप को एक सिविलाइजेशनल स्टेट मानते हैं, कि हम जो हैं कि एक लीडिंग पावर बने, यूएन के रिफॉर्म के बाद सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सदस्य बने, और जो अभी जो हम आबादी में तो नंबर वन है, आर्थिक दृष्टि से हम नंबर 5 हैं, नंबर 3 बहुत ही जल्द बन जाएंगे। तो दुनिया में जो हमारा स्थान जो है वो जो मुझे लगता है कि हम उसकी लेने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलके, और आपका ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि जो भी लोगों के मन में जो उनके अपने जो मैं कहूँगा आइडियाज थे, सपने थे, मुझे वो दिखाई दिया, और आज मैं देख रहा हूँ कि चंद्रयान का कितना प्रभाव हुआ है कि जब लोग विकसित भारत की बात करते हैं तो तुरंत उनके मन में चंद्रयान माने मोदी जी चंद्रयान, ये चीजें सबके माने पब्लिक के मन में ये कितना छाया हुआ है ये हमें साफ दिखाई देता है।